नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और ये है मेरा इस हफ्ते का फिल्म रिव्यू अनकही कहानियां। ये तीन कहानियों का मिश्रण है, यानी एंथोलॉजी। पहली कहानी इज डायरेक्टेड बाय अश्विनी अय्यर। छोटे गांव से बड़े शहर एक लड़का प्रदीप अभिषेक बैनर्जी आता है, एक फैशन स्टोर में एज सेल्समैन नौकरी करता है। हर रोज एक ही समय पर दुकान का शटर खोलता है, ईमानदारी से काम करता है और अपनी खाली जिंदगी में लौट जाता है। छोटी सी उसकी खोली, थोड़ा सा खाना और ढेर सारे सपनों के साथ वो सो जाता है। एक दिन दुकान में एक नया मैनेक्विन आता है और प्रदीप की जिंदगी में जैसे बहार छा जाती है। एज ऑडियंस, हमारा रिएक्शन टूवर्ड्स प्रदीप ऐसा ही है जैसे स्टोर के मालिक का, यानी अभिषेक के बॉस का। मगर डायरेक्टर अश्विनी अय्यर हमारी छोटी सोच को बड़े और अहम मुद्दे में बदल देती है। दूसरी कहानी इस बाय अभिषेक चौबे। ये दो किरदारों की कहानी है जिनकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। दोनों हर रोज सिनेमा हॉल में खुशियाँ ढूंढने आते हैं। एक यानी लड़का दलजाद हिवाले थिएटर पर काम करता है और लड़की रिंकू राजगुरु हर शाम हॉल में फिल्म देखने आती है। दोनों सपनों की तलाश में घर से निकल पड़ते हैं, मगर सफ़र साथ में कर रहे हैं या अकेले, ये डायरेक्टर आप पर छोड़ते हैं। द थर्ड फिल्म बाय सकेत चौधरी इज अबाउट अर्बन मैरिजेस। ये दो जोड़े की कहानी है, यानी टू कपल्स, निखिल और जोया और कुणाल और पलोमी। एक शादी क्यों टूटती है या फिर क्यों टिक कर रहती है, ये सिर्फ पति और पत्नी जानते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है दो शादियों की। तीनों फिल्में के शीर्षक नहीं है, नो टाइटल्स, वो अपने आप शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है। मुझे तीनों कहानियाँ थोड़ी लंबी, थोड़ी डल, थोड़ी स्लो लगी और तीनों कहानियाँ मुझे जानी पहचानी लगी, इसलिए इसमें अनकही क्या बात है वो समझ में नहीं आया। मैं भावना सुमाया अनकही कहानियाँ को बिग रेटिंग्स देती हूँ, 2 स्टार्स। 92.7